हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं गाइस, हमारे पास यहां पे 4440 ऑडियो एम्पलीफायर है। तो गाइस, जो ऑडियो एम्पलीफायर में गाइस एक प्रॉब्लम है गाइस यहां पे। तो गाइस, यहां पे जो स्पीकर एक साइड लगाते हैं तो गाइस एक साइड में बहुत ही कम आती है। तो गाइस, इसको मैं चला के बताता हूँ गाइस, उसके बाद उसको जो किस तरीके से उसे रिपेयर करना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखें, तो यहाँ पर मेरे पास ये स्पीकर है गाइस यहाँ पर, और गाइस मैं इसमें पावर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा है गाइस, और यहाँ पे कुछ मिनिमाइज़ करके यहाँ पे स्पीकर लगाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत ही कम आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे अच्छे से आवाज़ आती है। तो इसे स्पीकर लगा के मैं वॉल्यूम के साइड देखता हूँ कि किस तरीके से प्रॉब्लम है। तो देखिए गाइस, स्पीकर लग चुका है यहाँ पे और आवाज़ बहुत ही कम आ रही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे वॉल्यूम शॉर्ट करके देखेंगे कि यहाँ पे से प्रॉब्लम हो सकता है। तो शॉर्ट करने पर भी नहीं चल रहा है, वॉल्यूम भी ठीक है गाइस। तो अभी इसे ऑफ़ कर दूंगा मैं और इसका बोर्ड के अंदर चेक करूँगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो वॉल्यूम का जहाँ पर जो वायर है, तो यहाँ पर हमें टच करके देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे गाइस वेरिएशन ज़्यादा बनना चाहिए यहाँ पे। तो इसी तरीके से गाइस दूसरी जगह पे मैं लगा के बताता हूँ किस तरीके से। तो ये साइड ओके है गाइस यहाँ पे आईसी, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इस तरीके से गाइस यहाँ पे वेरिएशन बनना चाहिए। इस तरीके से वेरिएशन नहीं बन रहा है ये साइड में। तो गाइस, इसका यही प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे जो आईसी है, आईसी खराब हो चुकी है। तो इसके लिए गाइस इसे आईसी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस किस तरीके से आईसी चेंज करते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले गाइस इसे क्या करना पड़ेगा, इसे पूरा खोल देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जो हीट सिंक पूरी निकल चुकी है यहाँ पे। तो हीट सिंक निकलने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आईसी दिखेंगे। तो गाइस हमारा जो प्रॉब्लम है गाइस, ये आईसी में प्रॉब्लम है। तो इसे हम निकालने के लिए गाइस यहाँ पे सोल्डर से हमें एक 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 लेग्स फ्री करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्री करने के लिए गाइस मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख दूँगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ कुछ भी एक चीज़ रख दूँगा, और यहाँ पर एक 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 सोल्डर में निकालूँगा। तो देखिए गाइस इस तरीके से गाइस यहाँ पे जो है हमारी जो प्रॉब्लम वाली आईसी कुछ इस तरीके से गाइस। तो इसको हम बाजू में रख देंगे इस तरीके से, और गाइस उसकी जगह पे गाइस लगाएंगे हम दूसरी आईसी। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मेरे पास ये दूसरी आईसी है। तो गाइस इस तरीके से गाइस मेरे पास ये दूसरी आईसी है गाइस, तो ये आईसी मैं लगाऊंगा। इस तरीके से गाइस मैंने आईसी लगाई है यहाँ पे। तो अभी शोल्डर नहीं मारा है गाइस, अभी मैं इसे हीट सिंक लगाऊंगा, बाद में इसे शोल्डर मारूंगा, क्योंकि गाइस में अलाइनमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके लिए गाइस मैं शोल्डर नहीं मारा है। तो देखिए गाइस इस तरीके से हीट सिंक लग चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो है लेग अलाइनमेंट हो चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी इसे शोल्डर मार देंगे हम एक 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 करके। इस तरीके से गाइस यहाँ पे आईसी लग चुकी है यहाँ पे। तो गाइस अभी इसमें वेरिएशन देखेंगे कि आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने इस साइड का आईसी चेंज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम स्पीकर लगाएंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने स्पीकर लगाया है, तो ये वायर है। तो गाइस ये आईसी में हम चेंज किए हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से रख के मैं ऑन करूँगा। देखिए गाइस यहाँ पे हम वेरिएशन मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑन करते हैं कुछ इस तरीके से, और पावर लगाते हैं, आवाज़ तो आ रही है। ये देखिए गाइस इस तरीके से गाइस यहाँ पे वेरिएशन मिल रहे हैं, और आवाज़ भी अच्छी से हो गई है। तो इस तरीके से गाइस हमने यहाँ पे आईसी चेंज करके इसे रिपेयर किया है गाइस। तो गाइस अभी से पलटा के गाइस इस तरीके से हम अच्छे से फिट कर देंगे गाइस। तो इस तरीके से गाइस हमारा जो है एम्पलीफायर ओके हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।